हे एवरीवन, वेलकम टू 12 डेज हिंदी ग्रामर जर्नी। एंड ये हमारा डे 11 है। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा नाउन के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं संज्ञा किसे कहते हैं, जैसे हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं। तो संज्ञा वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को बताते हैं, वो संज्ञा कहलाते हैं। ओके, एंड आप इधर उदाहरण देख सकते हो, जैसे कि रमेश एक व्यक्ति का नाम का बोध करा रहा है, एक चम्मच एक बर्तन का जो नाम होता है, एंड कुर्सी, उसी तरह सीता एक लड़की का नाम, मुंबई एक जगह का नाम, एंड रोना हंसना एक भाव का नाम, इसे ये नाम का बोध करवा रहे हैं, ये संज्ञा है। एंड ये संज्ञा तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले व्यक्तिवाचक जो प्रॉपर नाउन होता है, दूसरा जातिवाचक कॉमन नाउन, तीसरा भाववाचक यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। तो केवल एक विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की जानकारी देने के लिए जिस नाम का प्रयोग होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब प्रॉपर नाउन कहते हैं। कोई एक पर्टिकुलर नाम, कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति, प्राणी, वस्तुओं के नाम जो बताता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे कि राधा, वो पर्टिकुलर एक लड़की का नाम बोल रहा है, इसीलिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। बट अगर मैं बोल दूँ लड़की, लड़की में से राधा आ जाएगी, सीता आ जाएगी, बहुत सारे लड़के हैं, तो उसमें से कौन सी लड़कियाँ, ओके, ये डिफरेंस है। एंड ये कुछ एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस जी, नरेंद्र मोदी जी, एक व्यक्ति का पर्टिकुलर नाम बोल रहा है। इधर चम्मच, इधर बर्तन में से एक पर्टिकुलर चम्मच, हमारा जो था और बहुत सारे और भी बर्तन होते हैं उसमें से एक पर्टिकुलर चम्मच, और एक पर्टिकुलर जगह जैसे कि पुणे, एंड एक पर्टिकुलर स्कूल में से सेंट जेवियर्स उच्च विद्यालय, बिकॉज विद्यालय तो बहुत सारे, उसमें से ये एक पर्टिकुलर। तो ये सारे व्यक्तिवाचक के उदाहरण। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा मतलब कॉमन नाउन के बारे में। तो ये संज्ञा शब्द एकदम पूरा संपूर्ण इंटर कंप्लीट जाति का बोध कराता है, तो वो संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। ये एक पर्टिकुलर नाम को नहीं, पूरी जाति को बोध कराता है। एग्जाम्पल आप ले लो नदी, लड़का, लड़की, ये पूरी जाति को बोध करा रहा है। लड़का में से तो बहुत सारे लड़के हैं, लड़की लड़कियाँ में से तो बहुत सारी लड़कियाँ हैं, तो वो पूरा जो जाति का जो बोध कराता है, तो वो जातिवाचक संज्ञा है। एंड ये जातिवाचक संज्ञा के दो भेद भी हैं, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इधर आप जल्दी से कुछ एग्जाम्पल्स देख लो जातिवाचक संज्ञा के, पुस्तक, बच्चे। तो इधर पुस्तक में से बहुत सारे पुस्तक है, तो जो पुस्तक एकदम कंप्लीट जाति को बोध करा रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, बिकॉज पुस्तक में से श्रीमद् भगवद गीता भी है, रामायण बुक भी है, हिंदी ग्रामर बुक में है, बट उसका जो एकदम कंप्लीट जाति बस बोल रहा है ग्रुप, तो वो हमारा जातिवाचक संज्ञा है पुस्तक के। अगर ये होता हैरी पॉटर तो ये हो जाता व्यक्तिवाचक संज्ञा, बट इधर पुस्तक ही दिया है, पुस्तक में से तो बहुत सारे पुस्तक है, तो एकदम ये जाति को बोध करा रहा है। ओके, अब ऐसे समझो। नेक्स्ट हम जल्दी से जातिवाचक संज्ञा का जो दो भेद है, द्रव्यवाचक संज्ञा और समुच्चयवाचक संज्ञा, वो पढ़ लेते हैं। तो जो सबसे पहले हम देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, जो मेटेरियल नाउन जिसे हम बोलते हैं, तो ये क्या है ना, जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध हो तो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल ले लो दूध, दही, पनीर, तेल, सोना, चांदी, रूपा, हीरा, मोती, ये सब मेटेरियल है। ओके, एंड उसी तरह समुच्चयवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन, न जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह का बोध होता है तो उसे हम समुच्चयवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि सेना, टोली, भीड़, मंडली, जैसे हम इंग्लिश में नहीं बोलते, अ कॉलोनी ऑफ एंट, तो एक समूह, एक ग्रुप का बोध कराता है, वो कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट इधर आप जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा में अंतर देख सकते हो। जैसे कि जातिवाचक में आप देखो स्त्री, ये जातिवाचक संज्ञा है, एंड व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमारा हो जाएगा राधा, बिकॉज स्त्री जाति को बोध करा रहा है, इसलिए जातिवाचक के अंदर आएगा। बट स्त्री जाति में से एक पर्टिकुलर लड़की का नाम, स्त्री का नाम राधा, तो इसलिए व्यक्तिवाचक होगा। इसी तरह नगर में से एक पर्टिकुलर नगर मुंबई, तो व्यक्तिवाचक है। बहुत सारे कवि है बट उसमें से सूरदास, तो व्यक्तिवाचक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। तो जिन संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो,
उससे ही हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा एकदम जो होता है नहीं, अवस्था, आप कैसे हो, मैं अच्छी हूँ या मेरा तबीयत खराब है, अवस्था बताता है, गुण के बारे में बताता है, दोस्त के बारे में बताता है, जो दिख नहीं सकता बट फील किया जा सकता है। जैसे कि काइंडनेस, स्मार्टनेस, आप इनको से पढ़ी हो ना। एग्जाम्पल देखो, हंसना रोना या अवस्था के बारे में बता रहा है, घबराना एक अवस्था हो गया, ये क्या आप देख सकते हो या फील कर सकते हो, इमोशन है, डरना, गुस्सा, मोटा, पतला, लंबा, ये सब एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट हम क्विकली पढ़ लेते हैं भाववाचक संज्ञा में जो परिवर्तन होता है, जैसे बच्चा से बचपन हो जाता है, ममता से ममत्वा, बूढ़ा से बुढ़ापा। जो भाववाचक संज्ञा है ये पांच प्रकार के शब्दों से बनती है। पहली तो जातिवाचक से बनती है, दूसरा सर्वनाम से बनती है, तीसरा विशेषण से, चौथा क्रिया से, पांचवा अवयव से भाववाचक बनती है। तो पहले देख लेते हैं जातिवाचक संज्ञा से कैसे भाववाचक संज्ञा बनता है। जैसे मित्र हो गया, वो उससे हो जाएगा मित्रता, मनुष्य से मनुष्यता, मूर्ख से मूर्खता, देव से देवत्व, तो ये सब आपको थोड़ा सा लर्न कर लेना है। दूसरा उसी तरह से सर्वनाम से कैसे देखते हैं होता है, जैसे अपना से अपनापन हो जाता है, पराया से पर्यायपन, आप से आपा, तो ये भी आपको थोड़ा लर्न कर देना है ये सारा टेबल। एंड तीसरा हमारा विशेषण से हो गया, जैसे खट्टा एक विशेषण है, उससे भाववाचक हो जाएगा खट्टास, गर्म से गर्मी, मीठा से मिठास, अच्छा से अच्छाई, एंड मधुर से मधुरता, कठिन से कठिनाई, आलस्य से आलस्य, सुंदर से सुंदरता या सौंदर्य भी बोलते हैं। एंड छोटा क्रिया से भी भाववाचक बनता है, जैसे पढ़ना पढ़ाई, दौड़ना से दौड़, ये थकना से थकान, गिरना से गिरावट, घबराना से घबरावट, खेलना से खेल। उसी तरह अव्यय से भी बनता है, जैसे दूर से दूरी, निकट से निकटता, ऊपर से ऊपरी। तो इसमें कोई समझने वाली बात नहीं, इधर सिर्फ ये बता रहा है कि इससे संज्ञा मतलब जातिवाचक संज्ञा, विशेषण और सर्वनाम और क्रिया और अव्यय से भाववाचक बनता है। तो जो बनता है ना उस शब्द से, बस वो आपको थोड़ा सा मेमोराइज करना है, डैट्स इट। सो हमने उसी तरह संज्ञा का जो सारा टॉपिक से हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया, नोट्स भी देखा, एंड डिस्क्रिप्शन में आप क्विज लिंक से क्विज भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, जिससे आपका और भी कंसेप्ट क्लियर होगा। एंड इसी तरह से हमने डे 11 को कंप्लीट किया। सो टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड मीट यू इन लास्ट 12 डेज इन डी ग्रामर।